जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी थे, झारखंड के थे। सन 50 में कुछ आदिवासी नेताओं के साथ नेहरू से मिलने आए। नेहरू से उन्होंने कहा कि अगर आपने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए विकास के मॉडल को भारत में अपनाया तो एक दिन आपका युद्ध आदिवासियों के साथ होगा। अब भारत में वो युद्ध चालू है। भारत के सैनिक सीमा से ज्यादा आदिवासी इलाकों में हैं। वो वहां नक्सलियों को मारने नहीं गए हैं, वो सिपाही वहां आदिवासियों की जमीनें छीनने गए हैं, क्योंकि जहां नक्सली नहीं है सिपाही तो वहां भी भेज दिए गए हैं। तो आपको विकास करना है, आपको उसके लिए आदिवासियों की जमीन छीननी है, इसलिए आप अपने सिपाहियों को आदिवासियों को मारने आदिवासी इलाकों में भेज रहे हैं। आप आदिवासी को अपने विकास का विरोधी मानते हैं। आप आदिवासी का जंगल और नदी पहाड़ लूटकर अपनी अय्याशी से भरी जिंदगी और रंगीन बनाना चाहते हैं। आप एक और बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। मार डालिए आदिवासी को, फिर दलितों को मारिएगा, फिर अल्पसंख्यकों को, बाद में सारे गांव वालों को मार देना, फिर और विकास करना, फिर खुद भी मर जाना। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको यही बताया गया है कि जीवन का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा अमीर बनना और ज्यादा से ज्यादा अय्याशी का सामान जुटाना। आपकी राजनीति ने आपसे यही वादे किए हैं, आपने विकास के लिए ही तो वोट दिया है। कीजिए विकास। आज आप विकास के लालच में अपने देशवासियों को मारने वालों को अपने देश का नेता बना चुके हैं। आदिवासियों का संहार चालू है। सोनी सॉरी रोज फोन पर एक से एक बड़ी भयानक कहानियां सुनाती हैं। अब मैं वो कहानियां किसे सुनाऊं? सब तो विकास में मस्त हैं। आजादी के बाद भारतीय लोग अपने ही देशवासियों का संहार करने लगेंगे। उस वक्त किस शहीद ने सोचा होगा कि एक दिन देशवासी दूसरे देशवासियों के जनसंहार का समर्थन करेंगे? अपनी इंसानियत खोकर आप जो खूनी विकास करने की दौड़ में लगे हुए हैं, मैं उसमें आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि आपके इस विकास में आदिवासियों और गरीबों का खून और चीखें शामिल हैं जिन्हें आप सुनना नहीं चाहते।